खड़े हुए। सर कमलनाथ जी का जाने का चल रहा है बीजेपी में और आज शाम को दिल्ली में है सर, वो दिल्ली में है। मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे, लेकिन एक शर्त मैं करूंगा कि मेरा ये आप रिकॉर्डिंग अपने पूरे चैनल पे दिखाएंगे। लाइव चल रही है सर, लाइव चल रही है तो ठीक है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके बारे में सहानुभूति पूर्वक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दो चीज मेरे ये कहना था कि ये जो तालाब इसकी बात हो रही है ये आर्टिफिशियल है, ये पानी बाद में आया है, इसमें ओरिजिनल तालाब के खसरे में नहीं है ये। और दूसरा ये है कि ये जितने गांव हैं आसपास के, चाहे भील खेड़ा हो चाहे सूरज नगर हो, ये सब तालाब के किनारे ही बसे हुए हैं। जितने बड़े बड़े अधिकारियों की कॉलोनियां बनी हैं जो है वो सब तालाब के किनारे हैं, जिनको परमिशंस मिली हैं। एक कॉलोनी की तो बड़े तालाब के बगल में ही नगर निगम ने परमिशन दी बनाने की अभी अभी, तो ये जब उनको सब परमिशन मिल सकती है और वो वहाँ रह सकते हैं तालाब के किनारे, जो पुराने 200-500 साल पुराने गांव हैं, अगर इनको इस तरह से हटाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत हुआ। जैसा राज साहब ने कहा, इस सबको संवेदनशील तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसको ले और खुद ही एनजीटी में पहल करे कि हमको समय और दिया जाए, इनको समय दिया जाए बात करने के, अपनी बात रखने का। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, कौन सा पद उन्हें नहीं मिला, केंद्र में मंत्रिमंडल, AICC में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ED का, IT का, CBI का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा? कुछ बता पाएंगे? धन्यवाद।